पलपल न्यूज के न्यूज रूम से इस वक्त मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार 55 घंटों में ही महज ढेर हो गई। जी हां, 15 तारीख को कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट हम लोगों के सामने आया। 104 सीटें बीजेपी को मिली और 78 सीटें कांग्रेस को और 38 सीटें जेडीएस को मिली। वहां पर कर्नाटक की राजनीति में भूचाल जो है कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने रहते हुए ला दिया, जब उन्होंने जेडीएस के साथ जाकर के गठबंधन कर लिया। गठबंधन होता देख तिलमिलाई बीजेपी जैसे मानो के बौर आ गई और उन्हीं के साथ साथ जो अहम भूमिका कर्नाटक चुनाव में निभाई वो थी हमारी गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट से पहले भी हम लोगों ने जैसे देखा और उसके बाद भी, और जब रिजल्ट आने ही वाला था तो पूरी तरीके से एक स्टेज पूरी तरीके से बीजेपी के लिए गोदी मीडिया ने तैयार किया। तो आज जिस तरीके से कांग्रेस ने और जेडीएस ने बीजेपी को मात दे करके अपनी सरकार बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हार नहीं, अमित शाह और मोदी की हार नहीं, ये हार है उन टीवी एंकरों की जो चैनलों में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करके और विपक्ष को कमजोर करके लोकतंत्र की हत्या करवाने पर तुले हुए थे। ये हार उन न्यूज एंकरों की है जिन्होंने बीजेपी को जितवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब आज हम लोगों के सामने ये स्थिति आई और जेडीएस और कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनी तो इन टीवी एंकरों के चेहरे हताश होने लायक थे कि जैसे मानो कि बीजेपी चुनाव नहीं हारी है, ये लोग खुद हार गए हैं। हमने जब रिजल्ट आने वाला था तब हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप का देखा होगा, उसमें शकील अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता और जेडीएस के प्रवक्ता बैठे हुए थे और जो बहस हुई उस दौरान हम लोगों के सामने था। और उस बहस में अंजना ओम कश्यप से जब सवाल किया गया शकील अहमद द्वारा, तो शकील अहमद ने उनसे पूछा कि आपने तो मोहतरमा बीजेपी की 12 बजे तक सरकार बना दी थी। तो उस पर पलटकर अंजना ओम कश्यप का कहना था कि हमारे व्यूवर्स को यह जानने की जरूरत नहीं है कि अंजना ओम कश्यप क्या कर रही है, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि कांग्रेस कहाँ है और कांग्रेस क्या कर रही है। जब कांग्रेस ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन करा और कर्नाटक में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंका है तो इन टीवी एंकरों के मुंह पर ताले लग गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को दोहाई देते हुए नहीं तक रहे हैं। चाहे इनमें सिर्फ अंजना ओम कश्यप का नाम लेना गलत नहीं होगा, इसमें रोहित सरदाना, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे रजत शर्मा हो, जो कल तक हमें ये दिखा रहे थे कि बीजेपी के पास 8 विधायक जो हैं वो जुड़ चुके हैं और कहाँ हैं वो बीजेपी के साथ कांटेक्ट में हैं, 100 करोड़ का ऑफर उन्हें दे दिया गया है, 100 करोड़ दे करके ये लोग लोकतंत्र की हत्या करवाने के लिए तैयार हो गए थे, ये मान लीजिए मेरी नजर में तो बस ये लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एक कहावत सुनी थी, ये बिल्कुल इन लोगों पर फिट होता है कि बीजेपी की कर्नाटक सरकार में गोदी मीडिया दीवाना, ये कहना गुरेज नहीं होगा। जिस तरीके से गोदी मीडिया पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या अमित शाह और मोदी द्वारा करवाने पे उतारू था, ये हार बीजेपी और अमित शाह की नहीं, ये हार गोदी मीडिया के उन तमाम टीवी चैनल के एंकरों में है जो एसी के न्यूज रूम में बैठे बैठे बयानबाजी तो बहुत अच्छी करते हैं, कहीं 2019 में इन लोगों को ही बीजेपी चुनाव ना लड़वा दे, ये भी देखने लायक होगा। जिस तरीके से जी न्यूज के सुभाष चंद्रन जिस तरीके से राज्यसभा में गए हैं और रिपब्लिक टीवी के न्यूज एडिटर चैनल के संस्थापक जिस तरीके से राज्यसभा में गए हैं, कोई गुरेज नहीं कि हम लोगों में ये भी देखा जा सके कि ये लोग भी अब सत्ता के इतने भूखे हो चुके हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से करवाने पे उतारू हैं और बीजेपी की सरकार बनाने में इतने उतावले हैं कि 2019 में
ये पुरजोर कोशिश कर देंगे बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। तो आज राहुल गांधी की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा कर दिया है कि हम विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी और आरएसएस का सामना करेंगे, तो ये लोग पूरी तरीके से विपक्ष में फूट डालने की कोशिश कर देंगे कि बीजेपी की सरकार बने। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा, और आपको ये खबर कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट, शेयर और लाइक करके बताएं।